नई सरकार बनते ही प्रदेश हित में कई अहम फैसले हो रहे हैं। जहां मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो अब मुख्य सचिव ने भी सचिवालय के सारे काम ऑनलाइन करने की पहल शुरू कर दी है। जल्द ही सचिवालय को फाइलों के बोझ से मुक्ति मिल जाएगी और सभी काम ऑनलाइन हो जाएंगे। सचिवालय उत्तराखंड सरकार के कामों को जमीन पर उतारने वाला विभाग है। नई सरकार के गठन के साथ ही सचिवालय के कामों में पारदर्शिता लाने की कवायद शुरू हो गई है और जल्द ही सचिवालय पेपरलेस होने जा रहा है। मुख्य सचिव के आदेशों के बाद इस पर काम शुरू हो गया है। सचिवालय परिसर के ऑनलाइन होने से जहां कामों में पारदर्शिता आएगी, तो दूसरी तरफ समय के साथ सचिवालय पेपरलेस हो जाएंगे। साथ ही फाइलों के अंबार से भी सचिवालय कर्मियों को मुक्ति मिलेगी। फाइलें हैं, उसका मूवमेंट ई ऑफिस के माध्यम से होगा और ये काम लगभग 2 साल से चल रहा है सचिवालय में। लगभग अधिकांश कार्य जो है ई ऑफिस के माध्यम से संचालित हो रहा है। इससे पेपर की बचत होगी और जो अनावश्यक फाइलों को ले आने ले जाने में श्रम व्यस्त होता था, जो श्रम व्यय होता था वो नहीं होगा और इसमें फिर फाइल की गोपनीयता बनी रहेगी और त्वरित गति से कार्य होता है, थोड़ी पारदर्शिता है, निष्पक्षता है और कौन सी फाइल किसके पास कितने समय से लंबित है, कोई बहानेबाजी नहीं चल सकती है। ऑनलाइन काम होने से न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि किस अधिकारी के पास कौन सा कार्य कितने समय से लंबित पड़ा है उसकी भी जानकारी आसानी से सरकार तक पहुंच पाएगी। हालांकि सचिवालय परिसर को पिछले 2 सालों से पेपरलेस करने की कवायद जारी है पर अधिकतर फाइलों को ऑनलाइन किया जा चुका है। आपको बता दें कि सचिवालय परिसर में रोजाना हजारों फाइलें इधर से उधर घूमती हैं। अब ऑनलाइन होने से काम में तेजी जरूर आ जाएगी। देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट।